Exercise 3.10. इसका पहले देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. A boat goes 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. A boat goes 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स. In 6 hours, full stop, it goes 30 kilometer upstream and 21 kilometer downstream इन 6:1/2 hours. ये 6:1/2 का मतलब क्या है? 6.5 मतलब 6.5 hours बोल सकता हूँ मैं इसको. 6.5 hours. Full stop. Find the speed of the boat in still water and also speed of the stream. Find the speed of the boat in still water and also speed of the stream अब देखिएगा जो चीज पूछी जाती है ना उसी को मैं एक्स और वाई मान लेता हूं. और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में हमने पहले से ये सोच रखा है कि हम फिक्स लेकर चलेंगे कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को हम एक्स मानेंगे और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम वाई मानेंगे. तो लेट द सर ये भी तो होता है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा बोट से ज्यादा होती है. नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा बोट से कम होती है. स्पीड ऑफ बोट हमेशा स्ट्रीम से ज्यादा होगी. ठीक है? Yes, sir. हाँ जी. Let the speed of boat in still water be x kilometer per hour. And the speed of stream be y kilometer per hour. So upstream speed हमेशा क्या हो जाएगी बेटा? x minus y किलोमीटर पर आवर. डाउनस्ट्रीम स्पीड अपोजिट डायरेक्शन. क्या बोल रहे हैं? अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन. हाँ, अपस्ट्रीम का मतलब अपोजिट डायरेक्शन और डाउनस्ट्रीम का मतलब सेम डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और डाउनस्ट्रीम में ऐड हो जाएगा. क्लियर है? यस सर. क्लियर है? अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड ये होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड ये होगी. अब बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स. ठीक है, तो इसमें हम केस फर्स्ट लेकर चलेंगे. केस फर्स्ट में भी एक तो हो गया अपस्ट्रीम और एक हो गया डाउनस्ट्रीम. अब आप ये देखिएगा
ये जो अपस्ट्रीम है, अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि जो अपस्ट्रीम के केस में जो डिस्टेंस है वो हो गया 24 किलोमीटर, अपस्ट्रीम के केस में जो स्पीड है वो हो गई x माइनस वाई, तो टाइम को मैंने टी वन बोल दिया, टाइम क्या हो जाएगा डी अपॉन एस, मतलब 24 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये तो टी वन हो गया। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम के केस में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 28 किलोमीटर और जो स्पीड है वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई, तो जो टाइम है टी टू ये हो जाएगा डी अपॉन एस, यानी कि 28 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो पहले केस में इन्होंने बोला है अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, यानी कि टोटल टाइम जो लग रहा है उसको अपस्ट्रीम जाने में तो इतना टाइम लग रहा है, डाउनस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लग रहा है, और टोटल टाइम कितना दे रखा है 6 आवर्स। तो ये हो गया टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू 6, यानी कि 24 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 28 अपॉन x plus y is equal to 6. 1 upon x minus y को u मान लेते हैं, let सर ये फिर से समझा दीजिए। अभी बता रहा हूँ, सर आपकी वीडियो रुक गई। अभी आ गई? यस सर आ गई। ठीक है, आप ये देखो सर, एक बोट है उसको 24 किलोमीटर, तो एक बोट अपस्ट्रीम हो गया ठीक, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई x माइनस y, तो अपस्ट्रीम के केस में टाइम कितना लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 24 अपॉन x माइनस y, ये वाला टाइम तो क्या है जो बोट को अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगा। अब बोट जो है वो डाउनस्ट्रीम जाती है कितना 28 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है x प्लस वाई, तो डाउनस्ट्रीम जाने में बोट को कितना टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 28 अपॉन x प्लस वाई। तो केस फर्स्ट में ये दे रखा है कि एक बोट को 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल टाइम लगता है 6 आवर्स, यानी कि ये टी वन है इतना, ये टी टू है इतना, तो टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू 6 हो गया, 24 upon x minus y plus 28 upon x plus y is equal to 6 हो गया। बताइए क्लियर है? Yes sir. क्लियर है? तो अब आप ये देखिए यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में x minus y है, तो मैंने 1 upon x minus y को u मान लिया, तो ये हो जाएगा बेटा 24 u, और 1 upon x plus y को मैंने मान लिया v, तो 1 upon x ये क्या हो गया 28 v is equal to 6। मुझे लगता है यहां तक तो क्लियर होगा, यहां तक समझ गए सभी बच्चे? क्लियर है? यस यस सर। यस सर। सर हां बोलो सर, मेरे को अभी भी आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही बेटा, एक बार रीजॉइन करके देख लो, और क्या बताऊं मैं, तब स्क्रीन ना तो चल ही रहा है। अनुभव एक बार रीजॉइन करके देख लो सर, स्क्रीन तो विजिबल है सर। हाँ सर, एक बार मैं लीव करके वापस जॉइन करके देख लो एक बार, अभी देखिएगा। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, तो मुझे 24 28 ये किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों तो वैसे 4 के टेबल में आते हैं, पर चलो हाँ 4 से कर लेते हैं, बट बट कोई बात नहीं, ये ऐसे हो जाएगा कि 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो बेटा ये हो गया 6u और ये हो गया 7v, और ये इक्वल टू 6। हां 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो ये हो गया 6u प्लस 7v इज इक्वल टू 1.5, समझ गए ना भाई, 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 3 अपॉन 2 को क्या बोलेंगे 1.5, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहां तक क्लियर है सभी को? बोलो यस सर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बेटा केस सेकंड।
यहां पर लिखिएगा अपस्ट्रीम, यहां पर लिखना डाउनस्ट्रीम। तो केस सेकंड में देखना अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि डिस्टेंस दे रखा है 30 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई, तो टाइम t1 और t2 मैं यहां ले चुका हूं, तो इधर ले लेंगे t3। t3 इज इक्वल टू d अपॉन s, यानी कि t3 इज इक्वल टू 30 अपॉन x माइनस वाई। फिर डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है 21 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, तो टाइम t4 इज इक्वल टू d अपॉन s, यानी कि t4 इज इक्वल टू 21 अपॉन x प्लस वाई, ये हो गया। और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल टाइम लग रहा है 6 एंड अ हाफ आवर्स, यानी कि t3। पर बीच में बोर्ड में रिफ्लेक्शन पड़ गया, कुछ दिख नहीं रहा आपने क्या लिखा है। अच्छा अच्छा अब दिखाई दे रहा है, यस सर, हां आ गया है ना। तो t3 plus t4 is equal to 6.5, अब t3 की जगह ये डाल दीजिए 30 upon x minus y, और t4 की जगह डाल दीजिए 21 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 6.5। 1 अपॉन x माइनस y को हमने क्या लिया, u लिया, और 1 अपॉन x प्लस y को v लिया, तो ये हो गया 30u प्लस 21v इज इक्वल टू 6.5। और ये 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, हम 3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 10u प्लस 7v। सर लेकिन वो कटेगा नहीं 6.5, कोई बात नहीं, काटना है भी नहीं, इज इक्वल टू 6.5 और 3 को इधर ले जाओ, तो 10u प्लस 7v इज इक्वल टू 6.5 अपॉन 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो इससे मेरा एक काम, देखो ये तो 6.5 तो 3 से नहीं कट रहा है, वो तो क्लियर है, लेकिन एक काम मेरा बहुत आसान हो गया कि फर्स्ट इक्वेशन में भी 7v आ रहा है और सेकंड इक्वेशन में भी 7v आ रहा है, तो प्लस का 7v और प्लस का 7v, आप सीधे सीधे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हम ये कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, वो आपकी मर्जी है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाली में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि सेकंड इक्वेशन में 10u है, 10u माइनस 6u यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए सेकंड में से फर्स्ट को कर रहे हैं। आप फर्स्ट में से सेकंड को भी करेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन आएंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। बताइए जी यहाँ तक तो क्लियर है सभी को, हाँ जी बताइए। सर जैसे आपने यहाँ पे डेसिमल में कर दिया, फ्रैक्शन में भी तो छोड़ सकते थे ना, लाइक 3/2 और फिर वो मिक्स फ्रैक्शन हो जाता नेक्स्ट वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको 3/2 छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी मैं 6.5/3 आ रहा है, मैं इसको 65/30 कर सकता हूँ, वो भी ठीक है ना। अभी करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, आगे वैसे मेरे को करना पड़ेगा इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां तक तो सबको क्लियर है ना, यस सर। बता दो भूमि, खुशी, अक्षत, दिवस, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है जी। अनुभव आ गए ऑनलाइन, हाँ जी सर, अब दिख रहा है, रीस्टार्ट किया, यस सर, अब ठीक है, स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है, हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सर ऑफलाइन क्लासेस कब कंटिन्यू होंगी? बेटा परसों से कर दूंगा स्टार्ट। ओके सर, हाँ बस कल कल और होगी ऑनलाइन, परसों से कर दूंगा। सर कल से तो हमारे स्कूल भी खुल रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ मैं परसों से कर दूंगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऊपर लिखिए 2
टू वाली इक्वेशन यानी कि टेन यू प्लस सेवन वी, टेन यू प्लस सेवन वी इज इक्वल टू 6.5 अपॉन 3, 6.5 अपॉन 3, और 6u प्लस 7v इज इक्वल टू 1.5. नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस. 7v से 7v कट गया, 10u माइनस 6u हो गया 4u इज इक्वल टू 6.5 अपॉन 3, 6.5 upon 3 minus 1.5. 4u is equal to 6.5 minus 3 into 1.5 होता है बेटा 4.5. 4.5 upon 3, ये 4u हो गया, 6.5 minus 4.5 हो गया 2, 2 upon 3, 2 ones are 2, 2 twos are 4, तो 2u is equal to आ गया 1 upon 3, it implies that u की वैल्यू आ गई 1 upon 6. u की वैल्यू आ गई 1 upon 6. Put this value in equation 1. Put this value in first. इसको first equation में रखेंगे तो 6u plus 7v is equal to 1.5. 6 into u, u कितना है 1 upon 6, plus 7v is equal to 1.5, 6 से 6 cancel out हो गया, केवल 1 बचा, so 7v is equal to 1.5 minus 1, 7v is equal to 1.5 में से 1 को subtract करा तो कितना बचेगा, 0.5, so v is equal to 0.5, अपॉन 7, 0.5 अपॉन 7, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 75, 14 जा, तो v की वैल्यू आ गई बेटा 1 अपॉन 14, इट इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 1 अपॉन 14. यहां तक क्लियर है सभी को, बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया ना? यस सर. यस सर. नहीं सर, एक बार फिर से बता दो. हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप ये देखो कि u की वैल्यू 1 अपॉन 6 आ गई थी, यहां तक तो क्लियर है? हाँ सर. फिर मैंने क्या करा कि u की वैल्यू 1 upon 6 को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 6u plus 7v is equal to 1.5. यहाँ डाल दिया. तो आप ये देखो 6u plus 7v is equal to 1.5. u की जगह आपने डाल दिया 1 upon 6. तो 6 into u की जगह 1 upon 6. 6 into 1 upon 6. 6 से 6 कर दिया. तो क्या बचा इधर? 1 plus 7v is equal to 1.5. 1 को इधर ले आओ तो 7v is equal to 1.5 minus 1. तो 7v is equal to 1.5 में से 1 को subtract करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5. तो v की value कितनी हो गई? 0.5 upon 7. Point गया तो नीचे 0 आ गया. 5 upon 70. ये क्या हो जाएगा? 5 14 जा 70. तो v की value आ गई 1 upon 14. Clear है? Yes sir. Clear है? अब इसके बाद आप देखिएगा, मेरे पास u और v की वैल्यू आ गई. मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटली कर रहा हूँ सॉल्व, छोड़ नहीं रहा हूं. इस तरफ करूंगा यहां पर. अब देखिए यहां पर आया u is equal to 1 upon 6 आया, तो u is equal to 1 upon x minus y था, और क्या वैल्यू आई u की? 1 upon 6. तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो x minus y is equal to 6 आ गया. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3.
बी की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, और बी की वैल्यू क्या आई है, वन अपॉन 14। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 आ गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों बेहद आसान है, ये माइनस वाई है ये प्लस वाई है, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो माइनस वाई और प्लस वाई जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, ऐड 3 एंड 4 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x plus y is equal to 14. Add करा, minus y plus y cancel out हो गया. x plus x क्या हो गया? 2x. 2x और 6 plus 14 क्या हो गया? 20. तो 2 tens are. x की value तो आ गई बेटा 10. Put this value in दोनों में से किसी में भी रख दो. In 3 और 4 आपकी मर्जी है. ठीक है? तो हमने क्या करा, 4 में रख दिया इसको, x plus y is equal to 14, तो y कितना हो गया 14 minus x, y is equal to 14 minus 10, तो y is equal to 4. तो speed of boat is 10 km per hour and speed of stream is 4 km per hour. मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। Yes sir. बताइए बेटा बाकी बच्चे, बताइए देवशी, लक्ष्य, पार्थ, रोहन। यस सर। यस सर। यस सर। रोहन। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद आप बोल रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सर। हां जी, क्या बोल रहे हो सर? 5 वाला तो समझ में आ गया, 6 वाला समझा दीजिए। 6 वाला देखिए, 6 वाला एनसीईआरटी एग्जांपलर का है, और अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन फिर से आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का ही क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 km/h in still water a person rowing at the rate of 5 km/h in still water takes thrice as much time takes thrice as much time thrice as much time in going 40 km upstream. Rowing at the rate of 5 km/h in still water takes thrice as much time in going 40 km in going 40 km upstream
as in going 40 kilometer downstream. As in going 40 kilometer downstream, full stop. Find the speed of the stream. Find the speed of the stream. जब भी कभी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं तो सीधा सीधा आपको क्या करना है कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर. ये करना ही करना है. उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से. तो सबसे पहले देखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन still water be x kilometer per hour and the speed of stream. Sir, आप अपना कैमरे को ऊपर कर प्लीज. Let the speed of boat in still water be x kilometer per hour and the speed of stream be y kilometer per hour. अब आप ये देखिएगा. Therefore upstream speed is equal to x minus y kilometer per hour and downstream speed is equal to x plus y kilometer per hour. ये हो गया. अब उन्होंने ना एक कंडीशन दे रखी है. वो बोल रहे हैं अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. मतलब कुल मिलाकर उन्होंने ये बोला कि स्टिल वाटर में जो वो पर्सन बोट को रो करता है, रो करना मतलब बोट को चलाता है, तो स्टिल वाटर में वो कितनी स्पीड से चला पाता है 5 किलोमीटर पर आवर. यानी कि ये जो x है ना, x की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. अभी इसको यूज करेंगे आप ये समझ जाइए कि इसमें x की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. लेकिन क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड पैटर्न बना रखा है कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मुझे जहां भी दिखाई देगा वहां पर मैं बोट की स्पीड को स्टिल वाटर में x मानूंगा और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं मानूंगा y. तो पहले मैंने उसके हिसाब से अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस y और डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस y डिफाइन कर दिया. उसके बाद मैं क्या करूंगा देखिएगा. अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम. 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसको जो टाइम लगता है ना, as in going 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. तो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो उस टाइम का ट्रिपल टाइम होता है वो वाला जो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है. मतलब अपस्ट्रीम में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो सोचिएगा कि अगर डाउनस्ट्रीम जाने में उसको एक घंटा लगता है तो अपस्ट्रीम जाने में उसको थ्री टाइम्स यानी कि 1 × 3 तो 3 घंटे लगते हैं उसको अपस्ट्रीम जाने में. तो वो चीज अभी यहाँ पर मेंशन करते हैं. आप ये देखिएगा यहाँ पर अलग अलग केसेस नहीं है, एक ही केस है. दो केसेस नहीं है, एक ही केस है. उससे हमें ये भी क्लियर हो जाना चाहिए वो जो एक ही केस दे रखा है ऐसा क्यों दे रखा है. अभी आप समझ जाएंगे. ये कहेंगे कि यहां पर मैं लिखूंगा एक तो ऐसे अपस्ट्रीम और ऐसे यहां पर लिखेंगे बेटर डाउनस्ट्रीम. अब अपस्ट्रीम में जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है 40 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो भी 40 किलोमीटर. अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो है x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो है x प्लस वाई. अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो t1 इज इक्वल टू d अपॉन s यानी कि 40 अपॉन x माइनस वाई. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बताइए. सर आप प्लीज एक क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो. अभी बता रहा हूँ. आप ये देखिएगा कि एक पर्सन है रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. ये दे रखा है कि एक पर्सन जो है वो स्टिल वाटर यानी कि रुके हुए पानी में जब वो नाव चलाता है तो स्पीड कितनी आती है 5 किलोमीटर पर आवर. यानी कि
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये हमको 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है, ये मुझे मालूम है। और मैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को मान रहा हूँ x किलोमीटर पर आवर, मतलब x जो है x की वैल्यू 5 दे रखी है यहाँ पर, पहली चीज तो ये है। लेकिन अभी मैं उस 5 को यूज नहीं कर रहा हूँ, बाद में यूज करूंगा, क्योंकि पहले मैं उसी पैटर्न पर चलूंगा जो पैटर्न मुझे पता है। मैं बस एक पैटर्न बनाकर चलूंगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y, अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस y, डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस y, यही लेकर चलेंगे। फिर इन्होंने बोला कि उसको अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है ना, वो डाउनस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है उसका 3 गुना है, उसका थ्राइस है, 3 टाइम्स है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपस्ट्रीम का डिस्टेंस देखिए कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर। उसने दे रखा है कि ही टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का 3 गुना है, उसका 3 टाइम्स है। तो क्या करेंगे हम, अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लेंगे t1 40 अपॉन x माइनस y, और डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल लेंगे t2 40 अपॉन x प्लस y, ठीक। t1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t2, मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है जी, बाकी बच्चों को भी क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आगे इधर कर रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं एज पर क्वेश्चन, t1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t2, यानी कि 40 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 3 इंटू 40 अपॉन x प्लस y। अभी 40 से तो 40 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर क्या बचा 1, इधर भी बचा 1, 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। मुझे तो y निकालना है तो y वाले को इधर ले आओ, y प्लस 3y is equal to 3x minus x, 4y is equal to 2x, 2 1s are 2, 2 2s are 4, y is equal to कितना हो गया, x upon 2, और x की value दे रखी है बेटा 5, 5 upon 2, तो 2 1s are 2, और 2.5, तो y is equal to 2.5 किलोमीटर पर आर, बताइए clear है? Yes sir. तो यहां पर एक ही केस दे रखा है, वो एक केस इस वजह से दे रखा है क्योंकि इन्होंने x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर x की वैल्यू भी अननोन होती तो दो केस होते, तभी मेरे पास बनती पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पेयर है ही नहीं, यहाँ एक ही इक्वेशन से काम हो गया। बताइए जी बाकी बच्चों को भी क्लियर है? यस सर। लास्ट वाला सब समझा दीजिए एक बार। हाँ जी, दोबारा बता रहा हूँ, आप ये देखिए, ये तो क्लियर है, t1 is equal to 3 times of t2, यस सर, ठीक है। तो y is equal to x upon 2 तक आ गए, यहां तक भी समझ गए थे? Yes sir. जो x है ना, x क्या है, speed of boat in still water, और speed of boat in still water 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो x की जगह 5 डाल दिया, ये 2.5 आ गया, ठीक है बेटा। और बताइए, और किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 15 ना? यस सर, 15, ठीक है, एक मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूं, बस एक मिनट रुकिए।
क्वेश्चन नंबर 15 नोट करिएगा. फिफ्टीन में है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. Train covered a certain distance at a train covered a certain distance at a uniform speed. Full stop. If the train could have been, if the If the train could have been 10 km per hour faster, could have been 10 km per hour faster, faster, comma, it would have taken 2 hours less. It would have taken 2 hours. It would have taken. It would have taken 2 hours less than the scheduled times. 2 hours less than the scheduled. सर ऊपर का बोर्ड दिख नहीं रहा थोड़ा सा. अभी दिखेगा रुको. दिखाई दे रहा है? यस सर अब दिखाई दे रहा है. हां, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम. फुल स्टॉप. 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम. एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर, एंड इफ द ट्रेन वर slower, if the train were slower by 10 km per hour, if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than It would have taken 3 hours more than it would have taken 3 hours more than the scheduled time, more than the scheduled time. Full stop. Find the distance covered by the train. Find the distance covered by the train. Find
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. अब इसमें देखिएगा, उन्होंने बोला अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब ट्रेन एक डिस्टेंस कवर करती है, अभी कितना डिस्टेंस है वो नहीं दे रखा, एट अ सर्टेन स्पीड कितनी स्पीड है वो नहीं दे रखा. वहां पर यही पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, ये पूछ रहे हैं कि आपको डिस्टेंस बताना है. तो हम ये कहते हैं लेट the distance covered by the train be x kilometer per hour and the speed of the train be y किलोमीटर पर आर. दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आर एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी y किलोमीटर पर आर. हमने ये दो चीजें मान ली. उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इसके बाद इन्होंने दिया है कि इफ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आर फास्टर, यानी कि ट्रेन की अगर स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आर फास्ट होती, मतलब ट्रेन की स्पीड जो है वो ओरिजिनली कितनी थी y, अगर उसको हम 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते यानी कि y प्लस 10 कर देते तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम. तो ओरिजिनली इसको जितना टाइम लग रहा था उससे 2 घंटे कम का टाइम इसको लगता. तो अब मैं ये देखूंगा यहाँ पर कि इस केस में जब मेरे पास डिस्टेंस है और मेरे पास स्पीड है तो टाइम कैसे निकलेगा. टाइम is equal to distance upon speed. तो t कितना आ जाएगा, distance कितना बेटा x और speed कितनी है y. तो t is equal to x upon y, इसको बोल दीजिए equation number 1, t is equal to x upon y. उसके बाद देखेंगे केस फर्स्ट. केस फर्स्ट में देखिएगा सर, हाँ डिस्टेंस की यूनिट x किलोमीटर नहीं होनी चाहिए थी, x किलोमीटर आर लिखी. सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, डिस्टेंस की यूनिट हो गई x किलोमीटर और स्पीड जो है वो हो जाएगा y किलोमीटर पर आर. ठीक है, अब केस फर्स्ट देखिएगा. केस फर्स्ट में इन्होंने बोला इफ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आर फास्टर, यानी कि अब जो मेरी स्पीड है वो हो गई y प्लस 10. ओरिजिनली तो स्पीड y थी. अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट है तो ये हो गया y प्लस 10. चलिए जी, और उन्होंने बोला इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम. उसको कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम. तो इसको बोल दीजिए इसको t1 बोल दो या फिर इसको कैपिटल टी बोल दीजिए. चलिए टाइम को बोल दो कैपिटल टी. तो स्मॉल टी ये हो जाएगा कैपिटल टी माइनस 2. अगर ओरिजिनली जो टाइम है, अगर ओरिजिनली टाइम टी था यानी कि मान लो 10 घंटे लग रहे थे ओरिजिनली, है ना, तो अब 2 घंटे कम लगेंगे तो टाइम माइनस 2 हो गया. तो स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी माइनस 2. ये क्लियर है कि नहीं बताओ. Yes, sir. ठीक है, अब मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से हम निकालेंगे स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस नहीं है मेरे पास. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. ये बता दो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया. Yes, sir. और अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो फिक्स है x, तो x इज इक्वल टू y प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 2. y प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 2, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2. इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, और इसके बाद क्या करूंगा, यहां मिटा रहा हूं बीच में. ये
बेटा यहाँ तक क्लियर है ना, सभी को बता दीजिए। यस सर। अब देखिएगा x is equal to y plus 10 into t minus 2, ये तो हमारी एक इक्वेशन हो गई। फिर देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में ये कहते हैं कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर इसकी स्पीड जो है वो ऐसी होती y minus 10, अगर स्पीड ये हो जाए y minus 10 हो जाए, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. तब टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे ज्यादा, यानी कि कैपिटल टी प्लस थ्री 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो फिर से वही चीज है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है x, डिस्टेंस तो सेम है, और स्पीड कितनी है y minus 10, और टाइम कितना है कैपिटल टी प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, इसमें आप ये देखिएगा कि ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर टू को जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। x इज इक्वल टू y plus 10 into t minus 2, ये हो गया। अब एक्सपेंड करो y into t, y into 2 कितना हो गया minus 2y, ये हो गया 10 into t, और ये हो गया 10 into minus 2 minus 20। x is equal to y into capital T कितना है x upon y, y से y cancel out हो गया, minus 2y plus 10 capital T कितना है x upon y minus 20। ये हो गया x is equal to x minus 2y plus 10 x upon y minus 20। यहां पर x से x हमने cancel out कर दिया, ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इतना हमारे पास आ गया। अब x upon y की वैल्यू तो है कितनी, t है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप यहां पर इसको माइनस 2y को इधर ले आओ, तो प्लस का 2y माइनस 10 इंटू x upon y इज इक्वल टू माइनस 20। ये हो गया 2y माइनस 10 कैपिटल T इक्वल टू माइनस 20। इसको बोलिए फाइनली, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी, इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। समझ गए? ये जो x upon y है, मैंने इसका एलसीएम वगैरह लेकर x और y में करने की बजाय मैंने x upon y को वापस t ही लिख दिया, ताकि मेरे पास दो वेरिएबल बन जाए, एक y बन जाए और एक t बन जाए। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, और ऐसा ही कुछ इक्वेशन नंबर 3 में होगा। करते हैं जी उसको भी, इक्वेशन 3 को भी करते हैं, इस तरफ करूंगा।
इक्वेशन नंबर थ्री में देखो यहां भी यही काम करना है, x इज इक्वल टू y माइनस 10 इंटू टी प्लस 3. तो x इज इक्वल टू वाई टी इंटू 3y प्लस का 3y माइनस का 10t और माइनस का 30. x इज इक्वल टू y इंटू कैपिटल t की जगह डालो x अपॉन y प्लस 3y माइनस 10t. इसको ऐसे ही रहने दो, इस t की जगह x अपॉन y में नहीं डाल रहा हूं. y से y कट गया, इधर केवल x बचा, x से कट गया x. तो अब मैं इस पूरे को इस तरफ ले आऊंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 3y प्लस 10t इज इक्वल टू माइनस 30. ये हो गई इक्वेशन नंबर 3. बताइए जी अब मैं 2 और 3 को कैसे सॉल्व करूंगा. देखिए इधर माइनस 10t है और इधर प्लस का 10t है, तो मेरे लिए तो इतना ही सफिशियंट है, दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड कर दो. तो ये 2 में क्या था, 2y माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 20 और यहां पर है माइनस 3y प्लस का 10t इज इक्वल टू माइनस 30. माइनस 10t प्लस 10t कैंसिल आउट हो गया, 2y माइनस 3y कितना हो गया माइनस y, माइनस 20 माइनस 30 कितना हो गया माइनस 50. माइनस से माइनस कट गया, y आ गया बेटा 50, y की वैल्यू 50 आ गई. अब आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में डालकर t की वैल्यू निकाल लो. पुट दिस वैल्यू इन थर्ड, थर्ड में डाल दो. माइनस 3y प्लस 10t इज इक्वल टू माइनस 30. माइनस 3 इंटू 50 प्लस 10t इज इक्वल टू माइनस 30, ये हो गया माइनस 150 प्लस 10t इज इक्वल टू माइनस 30. तो 10t इज इक्वल टू 150 माइनस 30, तो 10t इज इक्वल टू हो गया 120. 0 से 0 कट गया तो t हो गया 12. t की वैल्यू 12 हो गई. मुझे क्या निकालना है, इन्होंने तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यानी कि x t इंटू y t is equal to x upon y, तो x is equal to t y, तो t कितना है 12 और y कितना है 50, 12 5 60 और 10 600 किलोमीटर्स. बताइए बेटा क्लियर है सबको? यस सर. सर एक डाउट था. हाँ जी बताइए. सर जो हम इक्वेशन 3 कर रहे थे उसमें आपने x equals to y t plus 3y minus 10t minus 30 ये लिखा हुआ है ना? yt plus 3y minus 10t minus 30. ओके तो सर आपने नीचे वाले में ये y की y into x, अच्छा ओके ओके समझ गया. y से y कट गया तो इधर केवल x बचा, x आपने चला जाएगा तो x minus x 0 हो जाएगा, तो मैंने x से x काट दिया. मेरा ये डाउट था कि आपने वहां पे x upon y क्यों लिखा, मैं समझ गया. हाँ हाँ बताइए जी सभी को क्लियर है, सभी बच्चों को? यस सर. ठीक है अच्छा देख लीजिए, मेरे को एक दो बच्चे ही आज डाउट्स पूछ रहे हैं, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एक्सरसाइज 3.10 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 16-17 क्वेश्चन है, ये पूरा कंप्लीट करिए आप सभी बच्चे. जो भी डाउट्स आए मेरे से कल पूछिएगा, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज करनी है, इसको लाइटली मत लो. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे ज्यादा टफ एक्सरसाइज यही है. ठीक है चलिए जी बेटा, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे.